कमर चीम आप भी होके थोड़े दिन बचा के रख लीजिए, उसके बाद वहां के बारे में भी ज्यादा बातचीत करने की आपको जरूरत नहीं मिलेगी और ना आपसे सवाल पूछा जाएगा। शाहिद अफरीदी ने जो बातें कही हैं, मैं चाहूंगी उस पर अपना पक्ष रखें आप। शाहिद अफरीदी ने सिर्फ इतना ही कहा है, वो तो इंटरनेशनल लॉ और इक़वामे मुत्तहिदा और यूरोपियन यूनियन और इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स अगर आप देखें तो हर जगह पे यही बातें आ रही हैं कि इंडिया के अंदर जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो मुसलमानों को इस्लामोफोबिया फैलाया हुआ है और मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं, माइनॉरिटीज के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, मार्जिनलाइज कर रहे हैं और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो चुकी है। ये बातें पाकिस्तान और नहीं कर रहा, शाहिद अफरीदी के ऊपर और पाकिस्तान के एक्टर्स के ऊपर, स्पोर्ट्समैन के ऊपर, पॉलिटिशियन के ऊपर, सबके ऊपर प्रेशर है कि इंडिया के बारे में बोला जाए और इंडिया जो इस वक्त जुल्म कर रहा है उसको एक्सप्लेन किया जाए। सर, बोलने के लिए तो खाते हैं आप लोग, अफगानिस्तान अपना इतिहास उठाकर देख लेते तो आपको याद आ जाता बांग्लादेश, आपको याद आ जाता 1965, आपको याद आ जाता 1948, 1999 और उसके बाद के भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। कम से कम अपना दिमाग तो सही जगह रखें आप लोग। दूसरे मुल्क को देखकर और बार बार हिंदुस्तान को गाली देकर आप लोगों को लगता है कि अपनी पीठ थपथपाकर बहुत अच्छा हो जाएंगे आपके हुक्मरान, बिल्कुल गलत बयानबाजी आप लोगों के बीच होती है। ठीक है शाहनवाज हुसैन जी, ठीक है सर, आपको लग रहा है कि अल्पसंख्यकों को बहुत दबाया जाता है हिंदुस्तान में, ये वो शाहनवाज हुसैन जी इसी रूलिंग भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, प्रवक्ता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और मुस्लिम भी हैं। मैं चाहूंगी शाहनवाज हुसैन जी आप जवाब दीजिए कमर चीमा जो बात कह रहे हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है, देश के क्रिकेटर हमारे आंखों के तारे हरभजन सिंह ने कही कि उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ लोग बहुत गरीब हैं, परेशान हैं, कोरोना से लड़ना एक वीडियो भेज दीजिए, इन्होंने इंसानियत के लिए भेज दिया। लेकिन उनका कोई मतलब नहीं, पाकिस्तानी और इंसानियत कहीं का रिश्ता ही नहीं है, ये पाकिस्तानी को कोई मतलब नहीं है। हमसे वीडियो हमारे क्रिकेटर को वहाँ पसंद किया जाता इसलिए वीडियो मंगाया और उसके बाद उसका मिसयूज़ किया। और मिस्टर चीमा यहाँ कहते हैं यहाँ जुल्म हो रहा है, अरे कोई जुल्म नहीं हो रहा है, बलूचिस्तानियों पर जो जुल्म कर रहे हैं वहाँ आप बलूची पर जुल्म कब बंद करेंगे? ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो हमारा है, हमारे लोग हैं, उन पर ज्यादती कब बंद करेंगे? वो ज्यादा दिन तक आपके पास नहीं रहना। हमारे जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कश्मीरी हैं, उन पर जुल्म बंद कीजिए। और मैं एक बात और बता देता हूँ, एक बात, पाकिस्तानी जब भी मिलते हैं, एक बात कहता हूँ, एक बार सुन जाइए मिस्टर चीमा, पाकिस्तानी जब भी मिलते हैं, हम भी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री फोरम में कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तान के मिलते हैं। लेकिन वो एक बहुत पाकिस्तानी एमपीज भी मिलते हैं कभी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री फोरम में या कई और फोरम में, बहुत अच्छी बात कहते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क में जाके जो ककहरा पढ़ाया जाता है, जैसे मोना आलम आई हैं, कमर चीमा आए, मोना आलम पत्रकार हैं, लेकिन वही बोलेंगी, आईएसआई को जो पसंद हो वही बात करेंगी, आईएसआई दिन कहे तो ये रात कहेंगी, वही बात कहेंगी, जो आईएसआई कहेगी वही कहने वाली है और कुछ नहीं। इसलिए इनका मॉनिटर होता है, ये आजाद नहीं है। जैसे हम लोग आजाद ख्याल रखते हैं, बख्शी साहब या हरभजन जी या मैं आजाद ख्याल रख रहे हैं, मिस्टर चीमा और मोना आलम के ख्याल भी आजाद नहीं है, इनके ख्यालों पर भी पाबंदी है। तो मोना आलम मतलब आपकी भी मजबूरी है, आपकी भी मोना आलम मजबूरी है, आप भी सही सही बातें नहीं कह सकती पाकिस्तान के बारे में। जेडी बख्शी जी, मैं तुरंत आपके पास आती हूँ और हरभजन आपके पास भी। मोना आलम, शाहनवाज जी ऐसे तो देखे रेट्रिक पे तो मैं भी बात कर सकती हूँ ना, मैं भी कह सकती हूँ आप रॉ के भेजे हुए स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस के अलावा आपके पास और कोई 19-20 भी करने की गुंजाइश आपके पास पूरा मुल्क जानता है। नहीं, रेट्रिक है ना ये, इसमें क्या हकीकत नहीं, ये तो आप काउंटर कर रही हैं आप, लेकिन जो मैंने आपने सच्चाई किस बात पे, मैं जानता हूँ आपके मुल्क में आप पर बहुत खतरे हैं, अगर आप खुल के बोल देंगी पाकिस्तान के बारे में तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ आप हिफाजत से रहें, मैं आपके लिए भी हिफाजत चाहती हूँ, मैं आपके लिए भी हिफ्ज़ो अमान चाहती हूँ, खास तौर पर भारत जैसे। मैं माशाल्लाह हिफ्ज़ो अमान, देखिए मैं हिफ्ज़ो अमान में हूँ, आप फिक्र न करें। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे आप ऐसी बात सुने। देखिए मैं आपको एक बड़ी फैक्चुअल सी बात बताऊं, मैंने थोड़े रोज पहले खुद कोशिश की थी कि आपके मुल्क से कोई जर्नलिस्ट मैं अपने पास अपने प्रोग्राम के लिए लेना चाह रही थी, एक इसी कोरोना वायरस की कलेक्टिव एफर्ट पे। यकीन करेंगे आप, मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, मुझे हर बंदे ने कहा है कि वी आर नॉट परमिटेड टू अपीयर ऑन पाकिस्तानी मीडिया।
एक जर्नलिस्ट मेरे पास आए थे जो पहले हुआ करते थे एक चैनल के साथ, अब वो उस चैनल के साथ नहीं है, ही रन्स हिज ओन ऐसा नहीं है ये चैनल आप लीजिए ना, वो आए थे नहीं मोना आलम जी, मोना आलम जी आप चित्रा त्रिपाठी को लीजिए आप टीवी पे, तो छोड़ दीजिए सामने वाला क्या निर्णय लेता है, और दूसरी चीज ये हम तय करेंगे कि हमें कहाँ जाना है क्या नहीं, हम नहीं लेते हैं गंभीरता से पाकिस्तानी चैनलों को, हमारे हमारे पत्रकार नहीं लेते हैं गंभीरता से आपकी चैनलों को, हमें पता है वहां पर कैसा प्रोपेगेंडा अपनाया जाता है, हमें पता है कैसे झूठ फैलाया जाता है, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलना शाहिद आफरीदी जो हिंदुस्तान में आके न जाने कितने क्रिकेट खेलकर यहां से पैसे लेकर गए, आज हमारे हमारी सरकार के खिलाफ ऐसा बोल रहे हैं, उनकी हैसियत है क्या? आप बहुत अच्छा बोलती हैं पूरे रिस्पेक्ट के साथ, लेकिन कम से कम सच बोलिए, मुझे कंप्लीट करने दे, आई हैव नॉट स्पोकन ऑन योर टर्न, काइंडली लेट मी फिनिश, बोले आप अभी, लेकिन मैं कह रहा हूँ इतना ही बोले जिससे आईएसआई नाराज ना हो, आप चुप करें मैं बोलूंगा, आप ये ना करें, आपके दर्शक भी आपको देख रहे हैं, आईएसआई नाराज ना हो, आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे, मेरे पास भूपेंद्र चौधरी जी आए थे, उनसे पूछिएगा, आपके यहाँ के बहुत बड़े पत्रकार है, वेरी सेंसिबल जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया, मेरे पास आए थे, उनसे पूछिएगा, मैंने एक दफा भी उनके साथ क्रॉस टॉक की है जैसे आप मेरे साथ कर रहे हो, मुझे बोलने नहीं दे रहे, देखे, और पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही थी, दिस असाइड अभी हरभजन जी ने बहुत अच्छी बात की है, उनके भी यहाँ पाकिस्तान में बहुत फैंस हैं, उनके क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, इसी तरह सीखना चाहिए हरभजन सिंह से, इसी तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के, और ये दोनों बड़े अच्छे फ्रेंड्स रह चुके हैं, हरभजन जी ने उनके बाकी भी जो बड़े उनके नोबल कॉजेज है शाहिद साहब के, उनको उसने सपोर्ट किया है, और आप अब और तो मैं पाकिस्तानी से दोस्ती करते भी डर लगेगा, उनकी एक दोस्ती में मिसट्रस्ट ना क्रिएट करे तो बेहतर है, ये दोस्ती करते भी डर लगता है पाकिस्तानियों से, देखिए हरभजन सिंह का क्या हाल किया शाहिद अफरीदी ने, इसलिए हम पाकिस्तानियों से कोई दोस्ती नहीं रखते, वो दोस्ती में भी दखा दे देते हैं, अभी जो उन्होंने बात की, अभी जो उन्होंने बात की, देखें ये कलेक्टिव एफर्ट है ह्यूमैनिटी के लिए, हम दोनों मुल्क सोचें, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये जनरल बख्शी ने भी अभी बात की है, द पॉइंट इज क्या आप और मैं, हमें ये याद नहीं है कि सार्क का फोरम जिसका मकसद ही यही था कि कलेक्टिव एफर्ट्स लाइक पॉवर्टी एलिवेशन,